हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा किसी भी यूज़र का यूज़र मेल बॉक्स कैसे एक्सेस करते हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया कि ओवा के द्वारा हम लोग किसी भी यूज़र का मेल बॉक्स कैसे एक्सेस करते हैं, ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा आप किसी भी यूजर का मेल बॉक्स कैसे एक्सेस करते हैं और उसके द्वारा आप कैसे मेल सेंड और रिसीव करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, मैंने अपनी इस क्लाइंट मशीन पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके बाद आप सबसे पहले कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे और यहां पर आप स्मॉल आइकन्स में जाकर यहां पर आपको मेल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पर आप एक प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। जिस भी यूजर का आप मेल बॉक्स एक्सेस करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा, उसकी यहां पर आप प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जो कि है सनी यूजर। तो सनी यूजर की आउटलुक प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, ओके पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां पर आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर सर्वर सेटिंग पे चेक मार्क करेंगे, देन नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिए और यहां पर आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इंटरनेट, ईमेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और कंपैटिबल सर्वर। तो हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर यूज कर रहे हैं और उसी का ही यूजर मेल बॉक्स हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा या चेक मार्क कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको अपना सर्वर नेम डिफाइन करना है, यानी कि अपना एक्सचेंज सर्वर का होस्ट नेम डिफाइन करना है जिस पर आप या जिसको आप एक्सचेंज सर्वर यूज कर रहे हैं, जो कि मेरी कंडीशन में है node-1.malik.com। ये आप होस्ट नेम डिफाइन कीजिएगा एक्सचेंज सर्वर का। देन यूजर नेम, जिस यूजर का आप मेल बॉक्स इस मशीन पर एक्सेस करना चाहते हैं उसका अकाउंट नेम जो कि है सनी, और चाहे तो आप चेक नेम कर सकते हैं। अब यहां पर आपको एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, sunny@malik.com पासवर्ड वेरीफाई कीजिएगा सनी यूजर का, ओके। तो देखिए यहां पर आपको सनी यूजर का प्रॉपर मेल एड्रेस आपको डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा और फिनिश पे आप क्लिक कर दीजिए, देन ओके। इतना करने के बाद आप कंट्रोल पैनल को क्लोज कीजिएगा और अगेन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स में जाकर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ओपन करेंगे और यहां पर आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 2010, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। देन सनी यूजर का पासवर्ड वेरीफाई कीजिएगा, जरा थोड़ा वेट कीजिए इसके लिए। और देख सकते हैं आप यहां पर सनी यूजर का जो मेल बॉक्स है वो एक्सेस हो चुका है और सनी यूजर पर आपको सनी मेल बॉक्स के अंदर जितने भी मेल्स अवेलेबल हैं वो सभी आपके आउटलुक में डाउनलोड हो जाएंगे। मैं अपडेट को कैंसिल कर देता हूं, थोड़ा वेट कीजिएगा जरा। देखिए यहां पर अपडेट जो है वो स्टॉप हो चुका है और आप यहां पर देख सकते हैं कि सनी यूजर का मेल बॉक्स जो है वो एक्सेस हो चुका है और सनी यूजर के मेल बॉक्स में जितने भी मेल्स हैं वो आपको आउटलुक में डिलीवर हो चुके हैं। इसी तरह अब अगर आप आउटलुक के द्वारा ही सनी यूजर की हेल्प से या सनी यूजर के मेल बॉक्स से आप किसी अनदर यूजर को मेल सेंड करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा, तो आप यहीं पर न्यू मेल पे क्लिक कीजिएगा। तो यहां से आप न्यू मेल कंपोज कर सकते हैं, जैसे कि सनी यूजर मान लीजिए प्रीत यूजर को मेल सेंड करना चाहते हैं, तो प्रीत यूजर की मेल आईडी डिफाइन कीजिए, सीसी वगैरह डिफाइन कीजिए, सब्जेक्ट फर्स्ट ईमेल बाय माय
आउटलुक और जस्ट आप हेलो प्रीत जो भी आपको डिफाइन करना है आप डिफाइन कीजिएगा, देन आप सेंड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे और ड्राफ्ट में वो मैसेज नहीं है सेंट आइटम में, आप देख सकते हैं कि ये हमारा मेल जो है उसको डिलीवर हो गया है। अब कंफर्म करने के लिए मैं सेकंड मशीन पे चलता हूं। अब यहां पर मैं ओवा के द्वारा या किसी भी मेथड से आप प्रीत यूजर का मेल बॉक्स एक्सेस करेंगे। मैं ओवा के द्वारा ही एक्सेस करता हूं प्रीत यूजर का मेल बॉक्स। थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, देखिए ओवा एक्सेस हुआ। प्रीत यूजर का मेल बॉक्स एक्सेस करते हैं, जरा साइन इन पे क्लिक कीजिएगा और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रीत यूजर को सनी यूजर का मेल बॉक्स, सॉरी प्रीत यूजर को सनी यूजर का जो मेल है वो सक्सेसफुली रिसीव हुआ है। चाहे तो आप इसे रिप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। तो इस तरह दोस्तों हम लोग माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के द्वारा या एमएस आउटलुक के द्वारा किसी भी यूजर का यूजर मेल बॉक्स एक्सेस करते हैं, मेल सेंड और रिसीव करते हैं। दोस्तों अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2012, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सीसीएनए राउटिंग एंड स्विचिंग और एक्सचेंज सर्वर 2016 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।